तो ठीक है, ऑटो फ्लैशिंग ऑफ ब्लैकबेरी मोबाइल मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, गो टू गूगल, ठीक है, वहां पे सर्च करेंगे, सर्च करेंगे क्या, ब्लैकबेरी फर्मवेयर, ठीक, सर्च करेंगे ब्लैकबेरी फर्मवेयर। चलो गूगल पे आते हैं, ये आ गए, हमने यहाँ पे सर्च किया ब्लैकबेरी फर्मवेयर, ठीक, ये आ गया, इसे इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, ठीक है, ब्लैकबेरी फर्मवेयर आ गया, इसको ओके करते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम अपने हिसाब से जो भी हमारे पास मॉडल है मोबाइल का, मॉडल देखेंगे, ठीक है ना, उस मॉडल का हम यहाँ पे फर्मवेयर या फ्लैश ड्राइव या जो भी आप कहो उसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने समझो इसी का करना है, तो नेक्स्ट करते हैं, ठीक। अब इतने सारे वर्जन आए हुए हैं, जो भी वर्जन हमें इंस्टॉल करना है हम इंस्टॉल कर लेंगे, मान लो यही वर्जन इंस्टॉल करते हैं क्योंकि अपडेट होते रहते हैं ना मोबाइल, तो वर्जन उस हिसाब से ये वाला वर्जन डाउनलोड करते हैं, ठीक। ये पूरी डिटेल मांग रहा है, हम यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। डिटेल हम फिल करने से पहले यहाँ पे वीडियो पॉज कर देते हैं, हमने अपनी डिटेल फिल करी और नेक्स्ट किया तो हमारे पास ये पेज आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आई एग्री करेंगे, एग्री किया और ये नेक्स्ट किया, ठीक है, ये हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, हम इसे डाउनलोड करेंगे, ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, खाली ब्लैकबेरी में। ठीक है, हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, हमने फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो लिखो डाउनलोड इंस्टॉल सेटअप मोबाइल अकॉर्डिंग मॉडल मॉडल, ठीक है, ठीक है। हमने सेटअप डाउनलोड करना है, जो हमारा मॉडल है उसके हिसाब से अपने फोन में सेटअप पहले नेट से डाउनलोड करेंगे, उसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक। और हमारा कहाँ पर है, ये आया हुआ, ठीक है, अब इसे इंस्टॉल करते हैं, बाकी चीज हम चलने देते हैं, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, यस, ब्लैकबेरी आया नहीं है, ब्लैकबेरी है नहीं हमारे पास इस समय, लेकिन कैसे करते हैं ना ये मैं बता रहा हूँ, जितने ब्लैकबेरी फोन आएंगे सिर्फ इसी तरीके से फ्लैश हो गए, ठीक। हमने इसको ओके किया, देखो इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन हो रही है, फिर फाइल डालनी है, हमारा ये सेटअप जो है इंस्टॉल हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, पहले इंस्टॉल हो जाए तब मैं बताता हूँ क्या करना है। वाली डाटा क्यों ले आना,
ठीक है देखो ये आगे हमारा है ना, यस पे टिक कर करके है ना, यस मत करो ठीक है, इसको फिनिश करो। नमस्ते भाई, ठीक है अब क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें कहाँ जाना है, सी ड्राइव में जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा क्यों जाएंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन लिखो, आफ्टर इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन देखो सी ड्राइव में जाएंगे, ठीक सी ड्राइव, ठीक है सी ड्राइव में हमें मिलेगी कॉमन फाइल का प्रोग्राम फाइल्स, जाएंगे सी ड्राइव में जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स, ठीक प्रोग्राम फाइल्स, चलते हैं प्रोग्राम फाइल्स में चलते हैं, ये हमने खोला सिस्टम में देख लो पर बाद में देख लेना, सी ड्राइव में आ गए ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में आ गए, प्रोग्राम फाइल्स में मिलेगा हमें कॉमन फाइल्स, ठीक है प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद हम जाएंगे कॉमन फाइल्स में, ठीक कॉमन फाइल्स, ठीक है कॉमन फाइल्स में हमें ऑप्शन मिलेगा रिसर्च इन मोशन, ठीक है रिसर्च इन मोशन से मिलेगा ये हमें, ये रहा रिसर्च इन मोशन, ठीक ठीक है रिसर्च इन मोशन, ठीक इसके अंदर हमें मिलेगा एक ऐप लोडर, ठीक चलते हैं ऐप लोडर के अंदर चलते हैं, ये रहा ऐप लोडर, ठीक है इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर एक फाइल होगी उसका नाम होगा वेंडर, ठीक है वेंडर ये रहा लास्ट में, ठीक है इसको हमें डिलीट करना है, ठीक है इसको डिलीट इसलिए करना है, अगर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे तो हम इस फाइल से अगर हम फोन फ्लैश करेंगे तो उस फोन में लग जाएगा कंट्री लॉक, ठीक है तो हमें फिर कंट्री लॉक तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमें हम इस वेंडर फाइल को डिलीट करना होगा, तो हमने वेंडर फाइल कर दी डिलीट, ठीक है तो लिखो कहाँ गया हमारा वर्ड पैड, ये रहा ठीक है डिलीट वेंडर फाइल, ठीक डिलीट कर दी हमने वेंडर फाइल, ठीक है अब डिलीट करने के बाद हमें अगर फोन फ्लैश करने के लिए आया हुआ है तो हमें कहाँ गया, हमने क्या ओपन किया था ये, ठीक है देखो अब इसमें ऊपर आओ तो इसमें लिखा हुआ लोडर, ठीक है ठीक है ये लिखा हुआ लोडर, इसे ओपन करना है, इसी से फोन फ्लैश होगा, ये हमारे तरीके से मैंने बताया ना फ्लैश टूल, ये फ्लैश टूल ही है ना, मैंने बताया ना दो चीज चाहिए फ्लैश टूल चाहिए और फ्लैशर चाहिए, ठीक है नहीं ये किस उसमें गया था सी ड्राइव में, हाँ मैंने लिखा है तो है अभी देखो दिखाता हूँ, देखो ये रहा जहाँ पर वेंडर फाइल थी वहीं पर है क्या, हाँ उसी में ही है उसी में, देखो सी ड्राइव में गए हम प्रोग्राम फाइल्स ओपन करी कॉमन फाइल्स ओपन करी उसके अंदर रिसर्च इन मोशन का फाइल आएगा उसे ओपन किया फिर ऐप लोडर ओपन किया, ठीक ऐप लोडर में जाएंगे तो डिलीट वेंडर फाइल होगी, ठीक है उसी फोल्डर के अंदर ओपन लोडर यू विल फाइंड क्या था हमारा लोडर, नहीं नहीं कौन सा ऐप लोडर के अंदर ही, ठीक ये हमारा जो जो लोडर हमारा सेटअप है हमारा ऐप लोडर के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है ना इसको ओपन करेंगे, ठीक और ओपन करने के बाद हम अपना मोबाइल जो है उसे कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, जैसे ही कनेक्ट करेंगे हम तो हमारे पास तो ब्लैकबेरी जैसे मोबाइल है नहीं, आएगा तो करके दिखा दूंगा मैं, ठीक है हम बाद में लेंगे,
ठीक है हाँ ले आना ठीक है। तो जब हम करेंगे ना तो यहाँ पे हम टच करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल की लिस्ट आ जाएगी, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और जो हमारे नेक्स्ट का बटन है ना इनविजिबल हो रखा है, हाँ ये हाईलाइट हो जाएगा, हम नेक्स्ट करेंगे फिर ये हमारा मोबाइल इंस्टॉलिंग होने लगेगी उसमें, ठीक है। इस तरीके से यूएसबी केबल से इसी तरह का, हाँ इस तरीके से हमारा ब्लैकबेरी फोन फ्लैश हो जाता है ना, इजी है यार ब्लैकबेरी, ठीक है। और ओपन लोडर एंड कनेक्ट मोबाइल, पीसी में तो करोगे ठीक है, कनेक्ट मोबाइल टू पीसी, क्लिक ऑन नेक्स्ट, फ्लैशिंग विल स्टार्ट, ठीक है। एक बार